स्टडी मेंट्री यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। आज के वीडियो में हम आपके सामने लेके आए हैं नवोदय विद्यालय समिति से संबंधित TGT, PGT, PRT, टीचर से संबंधित जो भी पोस्ट खाली हैं, मतलब जिसकी भी रिक्वायरमेंट है, वो सब हम आज के वीडियो में आपको बताने जा रहे हैं। इसमें हम देखते हैं संविदा के आधार पर 2024-2025 के सत्र के अंतर्गत अनंतिम रिक्तियों के सापेक्ष में शिक्षकों के अनुबंधन के लिए पैनल के निर्माण हेतु आवेदन पत्रों के आमंत्रण की सूचना यहां पर दी गई है। इस वेबसाइट पर भी आप इस भर्ती से संबंधित और सूचनाएं प्राप्त कर सकते हैं। ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से दिनांक 27 मई 2024 से आप इन वैकेंसियों के लिए आवेदन कर सकते हैं तथा जमा आवेदन की जो अंतिम तिथि है वो 7 जून रखी गई है, मतलब 27 मई से आपके फॉर्म स्टार्ट हो जाएंगे और 7 जून इनकी लास्ट डेट है। फिर हम अगले पेज की बात करें तो इसमें ये नोटिस दिया गया है पार्टिकुलर्स और शेड्यूल, मतलब 27 से ओपनिंग डेट है एप्लीकेशन फॉर्म की, 27 मई से 7 जून लास्ट डेट रिसिप्ट ऑफ एप्लीकेशन 7 जून रखी गई है। वेरिफिकेशन ऑफ एप्लीकेशन एंड डॉक्यूमेंट एंड करेक्शन देयर ऑफ, इनके लिए 8 जून से 10 जून तक की डेट रखी गई है। पब्लिकेशन ऑफ मेरिट लिस्ट आफ्टर करेक्टेड डाटा एंड इनविटिंग ऑब्जेक्शन, इनके लिए 11 से लेकर 13 जून तक ये डेट रखी गई है। फिर आगे टेंटेटिव शेड्यूल फॉर ऑनलाइन इंटरव्यू रखा गया है 14 से 18 जून तक। फिर इंटरव्यू के बाद में की जो डेट है वो रखी गई है 20 जून, ये मेरिट लिस्ट है लास्ट वाली, ये 20 जून को प्रकाशित की जाएगी। आगे हम बात करें नवोदय विद्यालय समिति रीजनल ऑफिस जयपुर, यहाँ पर यह लिस्ट दी गई है कौन सी पोस्ट हैं। TGT इंग्लिश, TGT हिंदी, TGT मैथ, TGT साइंस, TGT सोशल साइंस, TGT कंप्यूटर साइंस, ये तो पोस्ट हैं। फिर TGT थर्ड लैंग्वेज की जो पोस्ट हैं वो भी नीचे दी गई हैं। फिर TGT आर्ट, फिर TGT फिजिकल एजुकेशन है मेल फीमेल के लिए, TGT म्यूजिक लाइब्रेरियन, PGT हिंदी, PGT इंग्लिश, PGT मैथ, PGT फिजिक्स, PGT केमिस्ट्री, PGT बायो, PGT हिस्ट्री, PGT ज्योग्राफी, PGT इकोनॉमिक्स, PGT कॉमर्स, PGT कंप्यूटर साइंस। फिर गाइडेंस दे रखी है यहाँ पर सभी के लिए, तो आप ये गाइडेंस देख सकते हैं। स्कीम ऑफ इंगेजमेंट, क्वालिफिकेशन दे रखी है PGT की क्या रहने वाली है, तो आप अगर PGT से फॉर्म भर रहे हैं तो आप ये क्वालिफिकेशन जो है ये आप में होनी चाहिए। फिर TGT की ये क्वालिफिकेशन यहाँ पर दी गई है, आप देख सकते हैं ये TGT की क्वालिफिकेशन है। पोस्ट वाइज इलेक्टिव सब्जेक्ट्स एंड लैंग्वेज इन दी कॉम्बिनेशन ऑफ सब्जेक्ट्स आर एज अंडर फॉर TGT हिंदी, TGT इंग्लिश, TGT मैथ, सभी के लिए ये क्वालिफिकेशन यहाँ पर दी गई है। TGT साइंस यह सोशल स्टडीज से संबंधित है, आर्ट टीचर के लिए ये क्वालिफिकेशन दे रखी हैं, फिजिकल एजुकेशन टीचर मेल फीमेल के लिए क्वालिफिकेशन है, म्यूजिक टीचर के लिए ये नीचे क्वालिफिकेशन दी गई हैं, लाइब्रेरियन के लिए ये क्वालिफिकेशन है। आप देख सकते हैं आपके जो भी क्वालिफिकेशन है उसके
अंतर्गत आप ये फॉर्म भर सकते हैं। TGT कंप्यूटर साइंस, क्या क्या आप में योग्यता होनी चाहिए। फिर एज लिमिट दे रखी है, अपर एज लिमिट। फिर इधर PGT क्वालिफिकेशन दे रखा है, वेटेज दे रखा है, मिनिमम वेटेज कितना रहेगा, क्राइटेरिया फॉर अवार्ड ऑफ वेटेज दे रखा है, कितने परसेंट का क्राइटेज एरिया आपका रहने वाला है। ये TGT के लिए है। टोटल 75 मार्क्स दे रखे हैं। फिर अक्स NVS के लिए यहाँ पर दे रखे हैं, उनके लिए भी 8 टीचर के लिए क्वालिफिकेशन, मैक्सिमम वेटेज, सब कुछ यहाँ पर दिया गया है। म्यूजिक टीचर के लिए भी ये वेटेज दिया गया है, 80 मार्क्स का है इनके लिए। फिजिकल एजुकेशन टीचर मेल एंड फीमेल के लिए भी यहाँ पर वेटेज एरिया दिया गया है, ये भी 80 मार्क्स का है। लाइब्रेरियन वाला दिया गया है, ये वेटेज दे रखा है सभी का। ये इसका अंतिम पेज है, इसी के साथ ये वीडियो यहीं समाप्त होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई सूचना के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।